वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 9 कोल एंड पेट्रोलियम। टॉपिक मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। मीन जो जब हम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो उसमें से हम कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, और पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, बिटुमिन एसेट्रा। फर्स्ट वन इज द पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस मोस्टली कंटेनिंग द हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। पेट्रोलियम गैस क्या होती है? मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं। मीन ये गैसेस फॉर्म में होती हैं। पेट्रोलियम गैस क्या होती है? जो हाइड्रोकार्बन मीन कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं और इनकी मिक्सचर होते हैं। और किस स्टेट में होते हैं? गैसेस स्टेट में। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं कार्बन के? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। कौन कौन से कंपाउंड होते हैं कार्बन के? प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इट कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ मॉडरेट प्रेशर एंड कैन देन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजली। जो पेट्रोलियम गैस को किस में फिल किया जाता है? सिलेंडर्स में फिल किया जाता है विद हाई प्रेशर। जो पेट्रोलियम गैस को हाई प्रेशर में सिलेंडर्स में फिल किया जाता है और किस स्टेट में चली जाती है? प्रेशर इंक्रीज होने के कारण ये लिक्विड स्टेट में चली जाती है। जब सिलेंडर्स में फिल किया जाता है ना हाई प्रेशर के साथ, किस स्टेट में चली जाती है? लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट टू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर इंक्रीज होने के कारण। एंड कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड ईजली। इसलिए इसको हम ईजिली ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। द लिक्विफाइड फॉर्म ऑफ गैस इज ऑफन कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो जब इसको हम प्रेशर के साथ फिल करते हैं तो इसको क्या बोला जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बोलते हैं? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG भी बोलते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? LPG। LPG इज यूज्ड एज कुकिंग गैस इन मैनी हाउस होल्ड्स। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मोटर फ्यूल। जो LPG है कहाँ पर यूज करते हैं? हम हमारे किचन में, मोस्टली किचन में यूज करते हैं एज ए कुकिंग फ्यूल। और उसे हम क्या बोलते हैं? मोस्टली कुकिंग गैस भी बोलते हैं। LPG को कुकिंग गैस भी बोलते हैं। और कहाँ पर यूज किया जाता है? इसके मोटर फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। जो मोस्टली अभी गाड़ियाँ हैं जो अभी जो गैस पे चलती है, पेट्रोलियम गैस पे चलती है, तो इसलिए इसे मोटर फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन प्रोडक्ट क्या है? गैसोलीन और पेट्रोल। क्रूड ऑयल का सेकेंड प्रोडक्ट क्या है? गैसोलीन और पेट्रोल। गैसोलीन और पेट्रोल इज लिक्विड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। गैसोलीन और पेट्रोल भी क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। मेन कार्बन के कंपाउंड होते हैं। और कितने कार्बन होते हैं इसमें? 4 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं। कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 4 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं। इट इज मोस्टली यूज एज फ्यूल फॉर द इंटरनल कंबसन इंजन। ये मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है? कंबसन इंजन में यूज होता है। जैसे कि व्हीकल्स होते हैं, मोस्टली व्हीकल, कार, बसेस, मोटरसाइकिल्स, उसमें किस लिए यूज़ किया जाता है? कंबसन के लिए यूज़ किया जाता है, इंजन में कंबसन के लिए, जिससे इंजन क्या करता है? आउटपुट देता है केरोसिन। थर्ड वन प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज केरोसिन। केरोसिन इज अ लिक्विड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। केरोसिन भी क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है और ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। इसमें कंटेनिंग 6 to 16 कार्बन एटम्स। इसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं केरोसिन में? 6 to 16 कार्बन एटम्स। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर कुकिंग इन पोर्टेबल स्टोव्स ऑफन फाउंड इन रूरल एरियाज। जैसे रूरल एरिया होते हैं, मतलब जो जो पुअर पीपल होते हैं, मोस्टली वहाँ पर जो वो स्टोव यूज़ करते हैं। स्टोव्स फूड को कुकिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्टोव्स। और स्टोव्स में क्या डलता है? केरोसिन। केरोसिन को भी आप क्या बोल सकते हो? कुकिंग ऑयल बोल सकते हो। ठीक है, कुकिंग ऑयल ऑफ पुअर पीपल। जो पुअर पीपल जो जो स्टोव यूज करते हैं, सिलेंडर वगैरह बाय नहीं कर सकते, वहाँ पर वो क्या करते हैं? स्टोव यूज करते हैं। और उसमें क्या यूज करते हैं? केरोसिन। इट इज आल्सो यूज इन केरोसिन लैंप्स फॉर लाइटनिंग पर्पजेस। जिससे कि जो पुराने समय में जो जब UPS वगैरह की इन्वेंशन नहीं हुई थी तो वो क्या करते थे? वो लैंप्स में केरोसिन डालकर, मतलब लाइटनिंग करने के लिए यूज करते थे केरोसिन को। जो लैंप्स होते हैं, दिए होते हैं, ठीक है, फ्यूल लैंप होते हैं, उनमें केरोसिन डालकर उनको लाइटनिंग करने के लिए यूज करते थे। हाई ग्रेड केरोसिन इज यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर जेट इंजन।
जो हाई ग्रेड फ्यूल होता है, मतलब हाईली प्योरीफाइड केरोसिन होता है, तो वो कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जेट इंजन में यूज़ किया जाता है, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह, जो एरोप्लेन होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनमें क्या लगा होता है? जेट इंजन लगा होता है। जो स्टीमर्स होते हैं उनमें भी क्या लगा होता है? जेट इंजन लगा होता है। तो जेट इंजन किसके ऊपर, किससे चलते हैं? केरोसिन, हाई ग्रेड केरोसिन से चलते हैं। डीजल, डीजल इज ए लिक्विड कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। डीजल भी क्या होता है? लिक्विड फ्यूल है जिसमें क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर होते हैं। और इसमें कितने हाइड्रोकार्बन, कितने कार्बन होते हैं? 8 to 21 कार्बन एटम्स। कितने होते हैं? 8 to 21 कार्बन एटम्स। इट इज प्राइमली यूज एज फ्यूल फॉर डीजल इंजन्स। जो मोस्टली जो जो डीजल कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इंजन्स के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखो रेलवे इंजन देखे होंगे आपने, वो इंजन जो डीजल इंजन है वो मोस्टली किस पे, किससे चलते हैं? डीजल से चलते हैं। हाउ एवर डीजल फ्यूल इज एसोसिएटेड विद सल्फर एमिशन। जो जो डीजल होता है फॉसिल फ्यूल है, ये भी ये क्या करता है, जब ये बर्न करता है तो काफ़ी सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन करता है ये। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोन डाइऑक्साइड से क्या होता है? एसिड रेन होती है। क्या होती है? एसिड रेन होती है। तो इसलिए जो जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं, जो डीजल इंजन हैं, अभी क्या कर रहे हैं? उसे बंद कर रहे हैं, डे बाय डे डीजल इंजन को कम कर रहे हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करता है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अलग अलग प्रोडक्ट क्या होते हैं, जो क्रूड ऑयल के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट पे मिलते हैं हमें। ठीक है, जैसे कि एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कितने टेम्परेचर पे मिलती है हमें? लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस। गैसोलीन और पेट्रोल 40 to 1 डिग्री सेल्सियस। केरोसिन 160 to 250 डिग्री सेल्सियस। और इनके साथ साथ इनको जूस भी राइड किए हैं। लिक्विड एलपीजी कहाँ पर यूज होती है? कुकिंग फ्यूल। गैसोलीन कहाँ पर यूज होती है? ऑटोमोबाइल फ्यूल और ड्राई क्लीनिंग। केरोसिन कहाँ पर यूज होती है? फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड जेट इंजन्स। ये हो जाएगा बच्चे, कम टू नेक्स्ट पेज। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? आर नंबर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। मतलब जो पेट्रोलियम होते हैं, जो नेचुरल गैस होते हैं, उनमें से केमिकल, कुछ केमी ऐसे केमिकल निकलते हैं जिसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि जो पेट्रोलियम होते हैं, जो नेचुरल गैस होती है फॉसिल फ्यूल लाइक, उनमें से कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जिससे हम अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस तरह के केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। अ नंबर ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विच आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ओनली अबाउट 5% ऑफ द क्रूड पेट्रोलियम इज यूज फॉर मेकिंग पेट्रोकेमिकल्स। मतलब जैसे क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल का जो 5% पार्ट क्या होता है? पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जो क्रूड ऑयल होता है उसका 5% पार्ट किस लिए यूज किया जाता है? पेट्रोकेमिकल बनाने के लिए। एंड द रेस्ट इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। जो रेस्ट 95% हो गया, वो किस लिए यूज किया जाता है? पेट्रोल डीजल, मतलब फ्यूल बनाने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोल डीजल, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन इज द वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल का जो मेन कंपोनेंट होता है क्या होता है? कार्बन होता है। क्या मेन मेजर कंपोनेंट होता है? कार्बन। पेट्रोकेमिकल्स आर नॉट यूज्ड एज फ्यूल बट दे आर इमेंस कमर्शियल इंपोर्टेंस। मतलब पेट्रोकेमिकल को हम यूज एज ए फ्यूल नहीं यूज करते, बट जो एक कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, लार्ज अमाउंट में, लार्ज स्केल में कमर्शियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं इससे? लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, सिंथेटिक रबर, ड्रग्स, डिटर्जेंट, डाइस एक्सेट्रा। जैसे कि जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्ट बनते हैं, वो किससे बनते हैं? पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। नेचुरल गैस आ क्लीनर फ्यूल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल गैस और क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर गैसेस। नेचुरल गैस क्या होती है? मिक्सचर होती है। किस किस के मिक्सचर होती है? गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स और अदर गैसेस के क्या होते हैं? ये मिक्सचर होते हैं। वन सेकेंड, नेचुरल गैस
आर क्लीनर फ्यूल। नेचुरल गैस इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाइड्रोकार्बन, नेचुरल गैस भी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होती है, बट ये क्या होती है, गैसेस स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है ये, गैसेस स्टेट में। कार्बन कंपाउंड होते हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं, उसका मिक्सचर होते हैं ये। द मेजर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ नेचुरल गैस इज मिथेन। जो नेचुरल गैस में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्या कौन सा कार्बन कंपाउंड होता है, मिथेन। कौन सा कार्बन कंपाउंड होता है, मिथेन। जैसे कि पेट्रोल में, पेट्रोलियम में, एलपीजी में सबसे ज़्यादा अमाउंट मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है। जो एलपीजी होती है, एलपीजी में मेजर कंपोनेंट होता है कौन सा होता है, ब्यूटेन। वैसे ही नेचुरल गैस में जो मेजर कंपोनेंट होता है क्या होता है, ये इसमें मिथेन। विच इज़ कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, जो कि क्या है, कलरलेस और ऑडरलेस गैस है। ऑडरलेस मीन इसकी कोई स्मेल नहीं आती, और जब ये बर्न करती है तो इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे हम पेट्रोल को बर्न करते हैं तो उससे येलो फ्लेम निकलती है ना, बट जब नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो उसकी कोई कलर नहीं होता। इट आल्सो कंटेन्स अदर हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अदर गैसेस इन ट्रेस अमाउंट्स। इसमें और कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स के, हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब मेन कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड कुछ गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम, नियन, जीनोन, क्या होती हैं, वो वेरी वेरी लेस अमाउंट में होती हैं। ठीक है, नेचुरल गैसेज ऑब्टेंड इधर विद द पेट्रोलियम डिपोजिशन और इन आइसोलेशन। जो नेचुरल गैस होती है, हमेशा जहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर ही हमें क्या मिलती है, नेचुरल गैस मिलती है। इट इज़ आल्सो फॉर्म्ड इन अ सिमिलर वे एज द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जैसे पेट्रोलियम बनता है बाय जैसे मिलियन ऑफ ईयर्स अगो से डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो गए थे, बरीड हो गए थे अंडर द अर्थ क्रस्ट, वैसे ही उससे पेट्रोलियम बना है, उनसे पेट्रोलियम से क्या बना है, नेचुरल गैस बनी है। द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड अलोंग विद द ऑयल रिजर्व्स डेट आर फाउंड एज डीप एज 1 to 2 miles बिलो द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि जहाँ पर हमें जो पेट्रोलियम मिलता है, मीन क्रूड ऑयल मिलता है अंडर द अर्थ क्रस्ट 1 to 2 miles डीप, वहीं पर हमें क्या मिलती है, अपर लेयर की किसकी होती है, वहीं पर नेचुरल गैस की अपर लेयर होती है। ठीक है, पेट्रोलियम के साथ उसकी अपर लेयर किसकी होती है, नेचुरल गैस की। जैसे हम पेट्रोलियम बाहर निकलते हैं तो पहले क्या निकलती है, नेचुरल गैस। इन इंडिया द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन। जो इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी बेसिन सेक्टर में नेचुरल गैस पाई जाती है। नेचुरल गैस इज कंसाइडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल अमंगस्ट ऑल फॉसिल फ्यूल। जो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, डीजल, पेट्रोलियम, एलपीजी, सभी से जो क्लीनेस्ट फ्यूल है कौन सा है, वो नेचुरल गैस, क्योंकि ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन करती है, मतलब इसका पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम होता है। एज इट्स मेजर कंपोनेंट इज मिथेन, क्योंकि इसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है, मिथेन होता है। इट प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एज ऑन कंबशन। जी जब इसकी कंबसन होती है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। इट रिलीज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। जैसे कि जब बर्न करता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसके कारण एसिड रेन होती है, वो नेगलिजिबल अमाउंट में प्रोड्यूस करता है, मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि जो डीजल होता है, डीजल बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अमीशन ऑफ ओनली ट्रेस अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन टेक्स प्लेस। और जो बहुत कम अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होती है। इसका मीनिंग क्या है, जो नेचुरल गैस है सबसे क्लीनेस्ट फ्यूल है और सबसे कम पोल्यूशन करता है। ठीक है, वी कैन से नेचुरल गैस इज द फ्यूचर फ्यूल ऑल्सो, इसको फ्यूचर फ्यूल भी बोल सकते हैं हम।